हेलो दोस्तों, इंडियन व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ गुड़गांव के कार कैरियर हब में। तो आज हम आए सैफ कार कैरियर में, जहाँ पे कार ट्रांसपोर्टेशन की जाती है और यहाँ गुड़गांव से इंडिया के हर स्टेट में कार भेजी जाती है। आप कोई भी कार और कोई भी स्टेट में भिजवा सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, यह है मारुति की पार्किंग जहाँ पे कार कैरियर किए जाते हैं। तो सेफ कार कैरियर में कैसे गाड़ियों में, जो कि कंटेनर्स में गाड़ियाँ लोड होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे की जाती है और कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे अभी लोड की जा रही है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एमजी हेक्टर खड़ी है, वैगनार खड़ी है, आगे वॉक्सवैगन की वर्टस जो कि अंदर अभी लोड होनी है। और तो ये गाड़ियाँ जानी है बेंगलोर, जो कि गुड़गांव से जाएगी, और कैसे लोड की जाती है आप देख सकते हैं। अंदर ऑलरेडी मर्सिडीज लोड हो रखी है। तो ये देखिए दोस्तों कंटेनर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किया सेल्टोस गाड़ी को लोड किया जा रहा है कंटेनर के अंदर। और इस कंटेनर के अंदर 8 गाड़ियां आएगी दोस्तों, 4 गाड़ियां ऊपर आती है और 4 गाड़ियां नीचे। तो ऊपर देख सकते हैं आप, इसके अंदर ऊपर की तरफ 4 गाड़ियां लोड कर दी गई है, फॉर्च्यूनर और भी काफी गाड़ियां अंदर हैं जो दिख नहीं पा रही अभी। और ये वर्टस है और एमजी हेक्टर, वरना और वैगनार इसके अंदर लोड होने वाली है, और मर्सिडीज़ ऑलरेडी लोड हो रखी है। आप देख सकते हैं गाड़ी को कैसे लोड किया हुआ है और कैसे इसको एक जगह पे होल्ड किया हुआ है। तो दोस्तों, गाड़ी को कैसे लोड करते हैं और कैसे इसको सेफ रखते हैं, कैसे गाड़ी को चारों तरफ से बांधा जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं थार गाड़ी को इसके अंदर लोड किया हुआ है, और उससे आगे इसके अंदर फॉर्च्यूनर है, उससे आगे सियाज 4x4 थार को इसमें लोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कंटेनर्स में कई टाइप के कंटेनर्स है। यहाँ पे एक कंटेनर्स के अंदर 5 गाड़ियाँ आती है, एक में 8 आती है और एक में 10। तो कुछ कंटेनर का अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है जिनमें गाड़ियाँ लोड होती है, और साथ में यहाँ से बाइक ट्रांसपोर्टेशन भी की जाती है। यहीं कंटेनर्स में बाइक भी लोड किए जाते हैं, देख सकते हैं आप, ये इन्हीं में लोड होके जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, एमजी हेक्टर को लोड किया जा रहा है, इससे आगे फॉर्च्यूनर को लोड किया है अभी, कैसे गाड़ी को चढ़ाया जा रहा है कंटेनर में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी के टायर्स बांधे जा रहे हैं ताकि गाड़ी मूव ना हो कंटेनर के अंदर से, देख सकते हैं। क्या करें, गाड़ी के नीचे टायर के पास सपोर्ट लगाया जा रहा है ताकि गाड़ी बैक ना हो। ये आप देख सकते हैं लोहे के, इससे गाड़ी बैक नहीं होगी। और ये कंटेनर्स के बेल्ट हैं जो कि टायर्स से बांधे जाएंगे ताकि गाड़ी मूव ना हो, चारों टायर्स के बांधे जाते हैं। आप देख सकते हैं बेल्ट बांधा जा रहा है टायर को।
आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे फॉर्च्यूनर लोड की हुई है और उससे ऊपर किया सेल, तो यानी कि ऊपर की तरफ तीन गाड़ी आएगी, तीन गाड़ियाँ नीचे की तरफ आएगी। आप आगे देख सकते हैं किया सेल्टोस और ये फॉर्च्यूनर और ये है एमजी हेक्टर। बिल्कुल सेफ गाड़ियों को कंटेनर्स के अंदर ले जाया जाता है, उनके टायर्स भी बांधे जाएंगे ताकि गाड़ी मूव ना हो। दोस्तों काफ़ी सेफली गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है बगैर किसी डेंट और डैमेज के। टायर को बिल्कुल टाइट कर दिया गया बेल्ट से ताकि गाड़ी मूव ना हो। तो दोस्तों अगर आपको भी गाड़ी मूव करवानी हो गुड़गांव से किसी भी जगह या किसी भी स्टेट से, तो आप सेफ कार कैरियर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और एड्रेस भी। और यह कंपनी BSF आर्मी और एयरफोर्स के लिए स्पेशल छूट देती है गाड़ी मूव करने के लिए, वो आप डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग इंडियन व्लॉग्स।